हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके होस्ट पूर्वा और मैं आप सब लोगों का एक और बार स्वागत कर रही हूं द लूडो किंग शो में। सॉरी, गलती से माइक जरा मेरा म्यूट हो गया था। सो दोस्तों, मैं तो ये कह रही थी कि कानों में ये जो म्यूजिक बज रहा था ना अभी मस्त लूडो का इनिशियली वाला, क्या मजा आ जाता है। ये जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है हार्ट बीट बढ़ने लगती है और हम एक मोड में चले जाते हैं, एक लूडो का चिल मोड ऑन हो जाता है। आपके साथ भी ऐसे होता है क्या? यार मेरे साथ भी ऐसे होता है, मतलब मेरे साथ तो डेफिनेटली होता है। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ ही लूडो किंग की, और ऐसे ही चार और लूडो किंग के फैंस आज हमारे साथ ये गेम खेलने आए हैं। चार नए लोग, ऑफ कोर्स आप लोग तो जानते हो। सो चलिए सबसे पहले इन चारों से मिल लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शैली एंड आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। एंड आई एम कंप्यूटर टीचर एंड एज वेल एज आई एम ए हाउस मेकर ऑल्सो। एंड माई हॉबीज आर प्लेइंग बैडमिंटन, लूडो, डांसिंग, डूइंग एक्सरसाइज एंड योगा। जब मैं फ्री होती हूँ तो ऑलमोस्ट, मतलब लूडो तो मैं इतना खेलती हूँ, बचपन से ही मुझे लूडो खेलना बहुत पसंद है। ये थी शैली जी जो है गाजियाबाद से। और चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से मिलते हैं जिनका नाम है सौरभ जी। आई एम सौरभ छाबड़ा एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ. आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इन देहरादून. एंड आई लव प्लेइंग लूडो सिंस माई चाइल्ड हुड डेज. इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड्स, टाइम स्पेंड विद दैम. आई हैव सो मैनी ब्यूटिफुल मेमोरीज. लूडो किंग टेक्स मी बैक इन दोज मेमोरी लेन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ये थे सौरभ जी, जिन्होंने आई थिंक हम सबका हाल करेक्ट शब्दों में बयान कर दिया है कि जो मेमोरी लेन्स में हम चले जाते हैं लूडो खेलते वक्त, बचपन में जैसे खेलते थे, नॉट दैट हम सब ने एक्सपीरियंस किया ही है। आई एम श्योर हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ने भी ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अंकित जी से। मेरा नाम अंकित जैन है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ. पेशे से मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ. जैसा कि आपने पूछा है कि मुझे लूडो किंग गेम क्यों पसंद है, तो ये गेम पसंद करने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं. जैसे कि अगर कभी मुझे थोड़ी सी भी बोरियत लगती है या कभी लगता है कि दोस्तों के साथ थोड़ा फन किया जाए, तो मैं फटाफट लूडो किंग ऐप में आता हूँ और अपनी सारी बोरियत चुटकियों में दूर कर लेता हूँ. दूसरा रीज़न ये है कि जैसा कि मैं वेब डेवलपर हूँ, तो हमेशा दिमाग को चलाते रहना पड़ता है, और लूडो किंग गेम खेलते हैं तो इसमें दिमाग की अच्छी खासी कसरत भी हो जाती है. तो रीजन और भी हैं, गिनाने कम पड़ जाएंगे, लेकिन लूडो किंग गेम को मैं बहुत पसंद करता हूँ. और आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और मुझे जल्द ही लूडो किंग लाइव गेम खेलने का मौका मिले आपके साथ. थैंक यू. So, अंकित जी ने हमें रीजंस बताया कि वो उनको लूडो किंग खेलना क्यों पसंद है, और बाद में खुद ही बोलता है कि इतना मतलब कितने भी मतलब गिनती कम पड़ जाएगी, इतने रीजंस है। यार आई अग्री विद हिम, बहुत सारे रीजंस है लूडो किंग खेलने के, लेकिन एक रीजन सब में कॉमन है आई एम श्योर, कि मजा बहुत आता है ना। सो ऐसे ही हमारे साथ इस गेम का मजा लेने के लिए हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आ रही है जिनका नाम है निशा जी। हाय एवरीवन, आई एम निशा चावला फ्रॉम कोल्हापुर, महाराष्ट्र. एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ ट्यूटर एंड ऑल्सो होम मेकर टू. घर का काम करके जब थक जाती हूँ, एंड माई डॉटर एंड सन टू, आफ्टर दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टडीज, दे टू गेट रिड ऑफ डूइंग स्टडीज, तो हम सब एक साथ बैठ के लूडियो किंग खेलते हैं. और तो इतना मज़ा आता है, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. And this time also, I just wanted to be shortlisted, selected in the Ludo King game. I just wanted to play live and biggest dream to be selected and win this beautiful giveaway. Team, please give me a chance. I'm a diehard fan of yours. And really, if got selected, will be the best day. Thanks, team. ये थी निशा जी, जो बहुत ही शिद्दत से ये आज का गेम खेलना चाहती थी. उनके वीडियो पे से हमें समझ में ही आ रहा है, और हम भी उतने ही, हमें भी उतनी ही, क्या बोलते हैं, हम भी उतना ही उनसे, उतना ही ज्यादा उनसे मिलना चाहते थे. तो चलो आज हमारी मुलाकात हो रही है, सो चलिए और इन सब से मिल लेते हैं. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप हाय सब? मैम, ऑल हाय, गुड. एक्साइटेड है एकदम ना बढ़िया, आज आप के बता गेम रहे के हैं. लिए? बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ज्यादा एक्साइटेड. जी मैं भी एक्साइटेड हूँ और मैं भी बहुत अच्छी हूँ एकदम, मतलब तगड़ी
तैयार होके बैठी हूँ आज के गेम के लिए. देखते हैं कि क्या होने वाला है ना. सब लोग मतलब रेडी हैं? सबने अपने फ्रेंड्स फैमिली को बोल दिया देखना है, वोट करना है हमारे लिए, सब कुछ एकदम रेडी? जी बिल्कुल. क्या बात है, ग्रेट यार. तो आज का गेम तो आई थिंक मजेदार होने ही वाला है. शैली जी आप बताएं क्विकली एक वर्ड में हमें कि आपकी मतलब स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है आज के गेम की, कैसे खेलने वाले आज के गेम? मेरी स्ट्रेटेजी तो बेसिकली वही रहती है, डिफेंसिव खेलना है, चुपचाप खेलना है. अच्छा, आप टोकन काटना पसंद नहीं करती? नहीं, अच्छा लगता है टोकन काटना, पर पहले अपना बचाना अच्छा लगता है. वो तो है. चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको शैली जी. अभी देखते हैं कि आप कैसे खेलती हैं, और भी बातें आपसे हम करेंगे थ्रू आउट द गेम, बट पहले सबसे फटाक से यू नो जान पहचान कर लेते हैं. सो अब चलते हैं निशा जी के पास. जैसे शैली जी ने बोला, निशा जी की, शैली जी कह रही है वो एकदम डिफेंसिव खेलने वाली है, आप कैसे खेलने वाली है? आपने जो टिप्स लिए हैं अपने बच्चों से कैसे खेलने वाली है? या श्योर, मेरे को तो टोकन्स काटने में ही मजा आता है. जीतू नहीं जीतू ये तो लक के ऊपर है, बट टोकन काटने में जो खुशी मिलती है वो अलग ही है. I agree with you wholeheartedly. I am team Nisha today, क्योंकि मुझे भी टोकन काटने में बहुत मजा आता है. इनकी जो बेटी है ना आपकी, जिन्होंने सिखाया है कि टोकन काटना. Yeah, yeah. I have two kids, one daughter and one son. हाँ, तो आपकी बेटी का strategy है. वो तो मेरी बाप है, लूडियो में. I agree with her completely. जो टोकन कट करने में मजा आता है उसी से तो गेम का मजा बढ़ता है. That is our aim, right? मतलब जीतना हारना यार वो secondary है, मुझे तो ऐसे लगता है. So निशा जी चलो ऑल द बेस्ट आपको भी. देखते हैं कि आप कैसे आज टोकन कट करने वाले किस किस के. बाकी के लोग सारे प्लीज बी वेयर ऑफ निशा, टोकन कट करने के लिए आज गेम खेलने वाली है वो. सो ऑल द बेस्ट निशा जी आपको भी. चलिए चलते हैं सौरभ जी के पास. सौरभ जी आपका क्या डिसाइड किया है आपने कि आज गेम अगर आप जीत जाते हैं तो क्या स्पेशल कुक करने वाले हैं? आपको कुकिंग पसंद है ना? बिरयानी एंड कबाब. क्या बात है यार, मतलब आप क्या घर की, क्या बोलते हैं, होम टाउन की खुशबू या फिर जो अपने देश की खुशबू लाना चाहते हैं देहरादून? ऑफ कोर्स, जो लखनऊ से होगा वो बिरयानी को कैसे भूल पाएगा. बात तो सही है यार, लखनऊ कभी आई नहीं हूँ मैं, बहुत मन है मेरा. मतलब वहां के कबाब का जो सब लोग बताते हैं ना किससे, वो सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है, तो फिर तो आना तो पड़ेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. या फिर आई थिंक इजियर थिंग विल बी कि देहरादून आ जाऊं, मुझे लखनऊ वाला कबाब्स भी खाने को मिल जाएगा और देहरादून घूमना भी हो जाएगा, है ना? बिल्कुल, आप देहरादून आइए और मसूरी भी घूमिए और साथ में कबाब और बिरयानी की ट्रीट मेरी तरफ से. यार मसूरी इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस फॉर श्योर, आई हैव बीन देयर. सो चलो सौरभ जी देखते हैं कि क्या ये मौका हमें मिलता है, वो तो चलो फ्यूचर बताएगा. फिलहाल गेम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. आपको भी ऑल द बेस्ट आज के गेम के लिए. थैंक यू सो मच. यस चलिए चलते हैं अंकित जी के पास. हेलो अंकित जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम, एकदम बढ़िया. आप बताएं, तैयारी हो गई? सारी तैयारी हो गई आज की आपकी गेम की? मैम फुल रेडी है. कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप? आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे आज का गेम अगर जीतते हैं तो? सेलिब्रेट तो मैम घर पे ही करेंगे, क्योंकि अभी बाहर का तो कुछ हो नहीं सकता. हां हां वो तो है, वो तो है. तो बस घर पे ही एक चॉकलेट केक वगैरह बना के अगर जीतते हैं तो अलग ही जीत हार तो चलती है, लेकिन ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी है क्या? ऑलरेडी तैयारी हो गई है, मंगा के रखा है केक वगैरह? नहीं नहीं, वही भी बनाएगी यहाँ पे. बिस्किट मंगा रखे जैसे ओरियो की, उनका बनाएंगे. ओ ओरियो का केक बनेगा. ओके ओके चलो ठीक है, फिलहाल तो ऐसे ही जुगाड़ कर लो. वैसे आपके वाइफ का बर्थडे तो आ रहा है, तो आप केक तो अभी होने ही वाला है जल्द, है ना? देखते हैं कि आप उनको ये गिफ्ट दे पाते हैं हमारी तरफ से या नहीं. ऑल द बेस्ट अंकित जी. थैंक यू. चलिए सो आप सब लोग एकदम अभी से रेडी हो जाए, काउंटडाउन शुरू हो रहा है. वैसे कोई काउंटडाउन नहीं है, हम अभी बस गेम शुरू करते हैं ताकि हम आप लोगों से और बातें कर सके. चलिए लेट्स स्टार्ट द गेम जी. एंड द गेम हैज स्टार्टेड. क्या बात है. सो दोस्तों जब तक कि सब, ओ ये तो मतलब मेरे को सेंटेंस शुरू भी नहीं किया था मैंने और शैली जी बाहर आ गई. मैं बस फर्स्ट ऑफ ऑल पे सिक्स. अंकित का भी सेम यार, ये क्या हो रहा है. मैं बस ऐसे बोलने की कोशिश. शैली जी थोड़ा आगे आ जाएंगे क्या? आप थोड़ी पीछे हो गई हैं. हाँ ग्रेट. हाँ तो मैं बस दोस्तों ये कहना चाहती थी कि इससे पहले कि इनमें से किसी को छह आता है या फिर सब लोग बाहर आते हैं, मैं आपको बता दूं कि वोटिंग कैसे करना है, लेकिन लोग मुझे चांस ही नहीं दे रहे, जो फटाफट बाहर निकल रहे हैं. सी
सौरभ जी भी बाहर आ गए, मतलब अंकित जी, शैली जी और सौरभ जी तीनों के तीनों बाहर आ गए। और इससे पहले कि निशा जी बाहर आती है, मैं फटाक से आपको बोल देती हूँ यार कि आपको वोटिंग करनी है अपने फेवरेट प्लेयर के लिए। अब आपको पता ही है, लेकिन जो लोग आज नए आए हो, शायद से उनका कभी मिस हो गया हो, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपको जाना है लूडो किंग ऐप में, उसमें जाना है प्ले विद फ्रेंड्स में, ऊपर एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप दिखेगी जिस पे लिखा होगा host/view, उस पे क्लिक करना है और उसमें आपको ये कोड डालना है व्यू में जाके, हाँ व्यू में जाके कोड डालना है 08181419, सिंपल राइट, 08181419। ये है हमारे अभी के लाइव वाला ये जो गेम चल रहा है उसका रूम कोड। आप अपने ऐप में ये देख पाएंगे और अपने फेवरेट प्लेयर को वोट कर पाएंगे। सो कम ऑन, फटाफट लॉग इन करें और वोटिंग शुरू करें, है ना। बताएं यार हमें कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है। फिलहाल तो मतलब एकदम चुटपुट सी वोटिंग शुरू हो चुकी है। अंकित जी को एक वोट है, निशा जी को तीन है, सौरभ जी को दो दिख रहे हैं, शैली को एक दिख रहा है। सो चलो यार आज भी थोड़ा सेंचुरी मार देते हैं, जैसे परसों के वाले गेम में आपने मारी थी, मुझे याद है। चलो एंड चलो यार, मैं इतना बड़ा पीस बोला एंड सी आ गया निशा जी को छह। मैं बस बोलने ही वाली थी कि निशा जी को छह नहीं आया और आ गया, आई थिंक। और वैसे आज मैंने एम्बिग्यूस से कपड़े पहने हैं कि ये ग्रीन है या ब्लू है समझ में ना आए, सो आई थिंक टुडे आई एम सपोर्टिंग ग्रीन एंड ब्लू बोथ। सो दैट इज निशा जी एंड शैली जी, क्या बात है, देखते हैं क्या होता है। मस्त, मतलब मैंने सपोर्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका लग जैसे होगा वैसे होने वाला है, लेकिन आई एम। और ये गई एंड फर्स्ट टोकन कट हो चुका है अंकित जी का और कट किया है शैली जी ने, और शैली जी ये ले यार, ओ अंकित जी ने कट कर दिया है सौरभ जी का टोकन। लेकिन जब तक मैं आपसे सारी बातें कर रही थी, आपने देखा क्या, शैली जी के तीन टोकन बाहर हैं और उनका एक टोकन ऑलमोस्ट घर में पहुंच रहा, इतना फास्ट गया था क्या, पहुंच गया। ओ मैन, पूरे नहीं हुए है ना, ये देखो एक और छह आ गया। शैली जी आपने मतलब ओ अंदर भी चला गया, कांग्रेचुलेशन शैली जी, फर्स्ट टोकन ऑफ द गेम ऑलरेडी घर में पहुंच चुका है 5 मिनट के अंदर, कांग्रेचुलेशन शैली जी। आई थिंक आपसे ये पूछने में कोई मतलब ही नहीं है कि आप जीतेंगे तो क्या कैसे सेलिब्रेट करेंगे, आप बस ये बताएं कि जीतने के लिए आप अभी खाके क्या आए हैं सुबह सुबह, आज ऐसे क्या स्पेशल खाया है आपने कि इतना आपका लक जो है वो दौड़ रहा है। नहीं मैंने खाया तो कुछ स्पेशल नहीं है, बट अपनी मम्मी से आज मैंने बात थोड़ी दुआएं ली हैं, उसी उसी का ही शायद असर है। True, फिर तो definitely। आपकी मम्मी के साथ खेलती हैं आप? नहीं मम्मी के साथ नहीं खेलती हूँ, अपने भाई के साथ खेलती हूँ, बट मम्मी का थोड़ा मुझे ज्यादा रहता है। हाँ अंकित जी ने टोकन कट कर दिया है वैसे शैली जी जब तक आप मुझसे बात कर रही थी, बट कोई नहीं, एक टोकन तो आपको पहुंच गया है और भी आएंगे। और आज तो क्या आपने आपकी मम्मी जी से बात करके आई है, तो फिर तो यार मैं तो खेलती हूँ यार, मेरी मम्मी के साथ मैं खेलती हूँ। मेरी मॉम बहुत ज्यादा लूडो किंग खेलती है, हमें उसको बताना पड़ता है कि अभी बस हो गया मॉम, बट नहीं वो फिर भी खेलती है, एक्सपर्ट है एकदम, ढेर सारे कॉइन्स लेके बैठती है। तो मुझे लगा वैसे ही कुछ होगा कि मम्मी को कॉल किया है टिप्स लेने के लिए कि कैसे खेलूं बोलो टाइप्स, बट नहीं, चलो, और वो टिप्स इंप्लीमेंट हो रही है ऐसे मुझे लगा एकदम से। तो निशा जी के भी वैसे दो बाहर आ गए हैं, मतलब निशा जी आपका सबसे एंड में बाहर निकला, लेकिन मतलब पीछे तो है नहीं आप यार, सब लोग इक्वल फुटिंग पे जा रहे हैं, सबके दो दो टोकन तो डेफिनेटली बाहर है ही, मतलब टेक्निकली शैली जी के तीन है लेकिन वो तो मतलब आज एकदम एक्सेप्शनल कैटेगरी में खेल रही है। कड़ी नजर रखना दोस्तों शैली जी पे, शैली जी हंसने लग गई, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा तो वेट एंड वॉच। Yes, and we are here to wait and watch. हम उस वही तो कर रहे हैं। और मुझे पता है दोस्तों कि मुझे ये वॉच करने में जितना मजा आ रहा है आपको भी आ ही रहा होगा, और आपको अगर ये मिस नहीं करना है ना तो आपने सब्सक्राइब करना चाहिए हमारा यूट्यूब चैनल जल्द से जल्द, है ना, और बेल आइकन पे भी क्लिक करना चाहिए ताकि जब भी नया वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, है ना। ओके सो सौरभ जी तो भाग रहे तेजी से, सौरभ जी आपको ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं?
हाँ, तो वो ट्रैवलिंग वगैरह जो करते हैं उसमें ट्रैकिंग वैकिंग भी करते हैं क्या? मतलब फिजिकल एक्टिविटीज होती है या फिर ऐसे घूमने जाना, मतलब बस घूमने जाना पसंद है क्या? नहीं 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 नहीं, ट्रैकिंग भी करता हूँ मैं, प्रॉपर ट्रैकिंग। और वो तो मतलब देहरादून में रहते हैं अभी, तो फिर तो यार बस क्या घर से बाहर निकल लो और थोड़ा आधा किलोमीटर चल लो, ट्रैकिंग हो जाता होगा। नहीं नहीं नहीं, देहरादून तो बेसिकली प्लेन्स में आ गया, ऋषिकेश एंड अब पूरा ट्रैकिंग एरिया है, मसूरी और उसके ऊपर का पूरा ट्रैकिंग एरिया है। तो हम लोग तो मतलब यार मुंबई में रहते हैं तो हम सी लेवल पे है ना, तो हमारे लिए तो देहरादून भी ऑलरेडी पहाड़ी में है, तो वो तो प्लेन हम बोलेंगे। मैं 4 साल मुंबई में था तो वहां पे भी बहुत एंजॉय किया, आसपास की जगह खूब घूमी। कैसे लगा मुंबई आपको पहाड़ियों में से यहाँ पे? बहुत अच्छा मैम, एनी डे इफ गिवन अ चांस अगेन टू शिफ्ट इन मुंबई आई वुड बी देयर। क्या बात है यार, मुंबई के मतलब जो लोग मुंबई में बॉर्न ब्रॉट अप नहीं है ऐसे लोगों ने ये कहना बहुत ही रेयर है, और मुझे अच्छा लगा ये सुन के बहुत ही। तो इसका मतलब सौरभ आपकी तैयारी अलग है। हाँ वाइब तो अलग है यार, बात तो सही है, वो तो है। मतलब जी, मतलब मेरे वन ऑफ द पसंदीदा शहरों में डेफिनेटली मुंबई तो आता ही आता है। बिल्कुल, लेकिन वही मतलब मैं इसलिए बोली क्योंकि मैं खुद छोटे शहर से हूँ, तो मैं औरंगाबाद से हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद लाइफ बदल ही जाती है ना, बहुत फास्ट लाइफ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये थोड़ा ओके नहीं। एंड सौरभ जी का भी टोकन पहुंच गया है सेफ्टी जोन में फर्स्ट वाला, क्या बात है यार। आई थिंक मैंने सबसे थोड़ी थोड़ी बात कर ली, जो मैं जिससे बात करती हूँ उनका टोकन अंदर चले जाता है ऐसे मुझे लग रहा है अभी। सो अभी किससे बात करें, मतलब जरूरी नहीं है मेरे से बात करते करते लोगों के बहुत सारे टोकन कटे भी है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सौरभ जी तो मतलब इतना बोल रहे हैं ट्रैकिंग वैकिंग को जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तैयारी करके आए दौड़ने की मस्त, अब तो बहुत दौड़ने वाले हैं वो से दिख रहा है। शैली जी एंड सौरभ जी बिल्कुल दोनों के एक एक टोकन एकदम सेफ है, और निशा जी और अंकित जी भी वैसे पीछे तो है नहीं, लेकिन सौरभ जी ने कट कर दिया है टोकन अंकित जी का एंड अंदर भी चले गए, क्या बात है यार। सौरभ जी क्या मतलब, आप भी मतलब आई थिंक शैली ने जो भी खाना खाया था खुद आपके लिए भी थोड़ा सा भेजा था शायद, ऐसे लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों आज एकदम लक लेके आए हैं अपने साथ, देखते हैं क्या होता है। अभी तो अंकित जी से हिसाब बराबर हुआ है। अभी तो बराबर हुआ है, फिलहाल वाला जो खाता था वो क्लोज हो गया, अभी नया वाला खोलना है ना। बिल्कुल कोशिश रहेगी, क्लियर हो जाए तो बढ़िया है। अंकित जी आप जयपुर से हैं मेनली? मैम मैं प्रॉपर तो झालावाड़ जिले से हूँ। ओके ओके, लेकिन जॉब के सिलसिले में यही रहता हूँ, पिछले 12 साल से मैं जयपुर में ही हूँ। किसने टोकन कट किया है ना, बदला लेना है ना। याद रखना है सब लोग, मैं अदर में, अगर आप नहीं याद रखोगे मैं याद रखूंगी और याद दिलाऊंगी, डोंट वरी, मैं वही करने के लिए बैठी हूँ अभी यहाँ पे। यस सो अंकित जी, सो मैं आपसे बात कर रही थी, मैं वही बोल रही थी कि आप जयपुर से हैं। मैं वैसे तो राजस्थान आई थिंक नहीं गई हूँ कभी, मैं भरतपुर गई हूँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड रहती है, मतलब उनका होम टाउन है वो, उनकी शादी पे मैं आई थी, बहुत ही प्यारी सिटी है यार, एंड ओवरऑल ही बहुत ही मजा आया। हम लोग 2-3 ही दिन थे, लेकिन आई थिंक राजस्थान की ट्रिप तो बनती है, बहुत सारे मतलब इतने सारे क्या बोलते हैं किले हैं, सारे बड़े बड़े महाराजाओं के सारे, तो हाँ वो देखने का एक बार तो बनता है। थिंक मैं थोड़ा कम घूमती हूँ, घूमना चाहिए, मैंने अभी फिलहाल तो यार नहीं कर सकते ये सब कुछ, लेकिन जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन डेफिनेटली, है ना। जब कभी नॉर्मल हो आप जरूर जयपुर आओ, जयपुर में आपको बहुत सारी जगह घूमने, आपने हवा महल वगैरह अगले, लेकिन अच्छा अच्छा हाँ, और सिटी पैलेस मतलब जल महल, इतनी सारी जगह है घूमने की, है ना, बहुत मजा आएगा। मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूंगी, आपसे लिस्ट ले लूंगी पूरी, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, और शॉपिंग के लिए फिर शॉपिंग का पूरा मार्केट है जैसे जोरी बाजार, ये सब नाम सुनी रखे होंगे वैसे आपने। जी हाँ, मतलब फिलहाल तो शॉपिंग का मजा आता नहीं, ऑनलाइन ही करना पड़ता है, तो आई थिंक हाँ, एक बार तो
बनता है अभी ये सब कुछ एक बार हो जाए जब कभी नॉर्मल हो तो आप जरूर आओ डेफिनेटली पक्का डेफिनेटली आऊंगी एंड अंकित जी ने सी मैंने बोला ना कुछ तो होता है मेरे से बात करने के बाद अंकित जी ने टोकन कट कर दिया है शेली का और मेरे से बात फायदा हो रहा है ना शेली जी को नहीं हो रहा ना लेकिन बस तो चलो अभी बस हो गया आपको फायदा बहुत हो गया निशा जी आप बहुत चुप चुप बैठी है यार आप इतना कॉन्सेंट्रेट कर रही है गेम पे या स्टडी इसमें गेम में आई थिंक वाज रिपीट क्या टिप्स दिए हैं सी निशा जी ने टोकन कट कर दिया है शैली जी का ही कट किया ना हाँ शैली जी का ही कट किया क्या बात है सी मेरे से जब भी लोग बात करते हैं ना ऐसे नंबर आते हैं ना उनको मैं बोल रही हूँ है ना निशा जी थोड़ी देर कर लो यार मुझसे बात आप फिर ओ सॉरी सी आई थिंक दैट डजंट वर्क ऑलवेज कोई नहीं लेकिन शैली जी ने इंस्टेंट वाला जो रिवेंज होता है एकदम इंस्टेंट नूडल्स की तरह वो ले लिया है निशा जी से कोई नहीं लेकिन निशा जी भी मानने वालों में से है नहीं इमीडिएटली बाहर आ गई हैं आप निशा है ना या मैम क्या टिप्स दिए आपकी बेटी ने आपको आज के गेम के लिए कंसंट्रेट करो कंसंट्रेट ओ मम्मी बोले तो मम्मी डाइवर्ट मत हो जाना अरे कुछ नहीं होता यार मतलब हाँ आई अंडरस्टैंड कंसंट्रेशन से खेलना तो है लेकिन थोड़ी देर हमसे बात कर लेंगी तो आई मीन कुछ नहीं होगा यार चलता है आप तो मतलब कोल्हापुर में रहती है तो मुझे अगेन बहुत अच्छा लगता है कि महाराष्ट्रियन कोई है तो ये बात अलग है कि अभी तक कोई मराठी आया नहीं है शो पे शायद मैं नहीं बात कर पा रही हूँ एंड टोकन तो कट कर दिया है आपने अंकित जी का एंड सौरभ जी ने दूसरा मतलब अंकित जी क्या हो गया अचानक से दो टोकन आपके घर वापस ही हो गई उनकी है ना एंड शैली जी ने एक और ऑर्डर बदला ले लिया है निशा जी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था है ना आई थिंक ये आप लोग एक दूसरे को इतनी बार कट करने वाले हो कोई इतने आसानी से नहीं जीतने देने वाला एक दूसरे को ऐसे मुझे दिख रहा है अच्छे से ओ एंड वैसे अंकित जी आपका फर्स्ट टोकन पहुंच गया है सेफ्टी स्ट्रिप पे कांग्रेचुलेशंस आपको भी निशा जी चलो यार अभी आपको भागना है अंदर आप ही का टोकन बचा है जो अभी तक सेफ्टी स्ट्रिप पे नहीं वैसे आपका काफी आगे तक पहुंच भी चुका है तो वैसे टेंशन वाली बात नहीं है एंड एक और बार निशा जी ने टोकन कट किया है शैली जी का क्या बात है शैली कैसे लग रहा है यार आपको निशा जी ने कितनी बार टोकन कट कर दिया आपका मतलब कब लेंगी फोर टाइम्स फोर टाइम्स सी काउंट रख रही है वो एंड यहाँ पे मैं तो काउंट ही नहीं रखूंगी आप भी रख लो निशा जी काउंट काम आएगा सौरभ जी का तो सेकंड टोकन पहुंच गया है दोस्तों सेफ्टी स्ट्रिप पे जरा देखो ध्यान रखो सौरभ जी मतलब है ना वो लखनऊ वाली एकदम वैसी वाली सुबह एकदम ऐसे मीठी आवाज में धीमी धीमी बातें एकदम सॉफ्ट स्पोकन तरीके से बात तो कर लेंगे लेकिन एक जगह पे फटाफट भाग के अंदर भी पहुंच रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखना एक सौरभ जी है मेरे को एक बता लखनऊ का एक डायलॉग फेमस है ना शायद वो कुछ लखनऊ आइए पान तो खा के जाइए ऐसा कुछ डायलॉग आइए कि आप लखनऊ में हैं हाँ जरूरी है पहले आप डायलॉग बहुत बार मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं ओ अच्छा डायलॉग है वैसे आप मुस्कुराइए आप यूरोप किंग में हैं ऐसे हम कह सकते हैं आप बिल्कुल निशा जी आप भी यार आई नो आप कोल्हापुर में हैं लेकिन कोल्हापुर भी बहुत अच्छी सिटी है यार मैंने कोल्हापुर भी विजिट किया है एक ही बार आई हूँ मैं एक प्ले के लिए आई थी लेकिन बहुत ही प्यारी सिटी है बहुत कुछ देखना था रह गया लेकिन तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी आप देंगे क्या टिप्स जैसे अंकित जी मुझे लिस्ट देने वाले थे आप आइए हम साथ में चलेंगे घूमने के लिए मैम जी मतलब मैं वंदना जी हमारे पिछले गेम में थी वो भी कोल्हापुर से थी उनसे भी बात नहीं हो पाई लेकिन अभी मुझे फिर से मिल गया कोई कोल्हापुर वाला बात करने के लिए आपके यहाँ का आइसक्रीम बहुत फेमस है राज मंदिर वाला है ना यहाँ ये तो मतलब एक ही बार मैं आई हूँ एक ही बार खाया है अरे मैं आई थी ना जयपुर में जयपुर में कोल्हापुर में आई थी मैं एक प्ले के लिए हमारा प्ले था उसमें मैं काम करती थी तो उसके लिए हम हमारी पूरी टीम आई थी तब वहां पे हमारे जो एक फ्रेंड हैं उन्होंने हमें खास हमारे लिए बोल के हमें लाके दिया था थिएटर में एंड
क्या आइसक्रीम था यार, मतलब उसके लिए फिर से खाने का डेफिनेटली प्लान करना चाहिए रियली। और आज अगर मैं जीती तो आपको वो आइसक्रीम नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर आज मैं जीती तो वो आइसक्रीम आपको कुरियर कर दूंगी। आइसक्रीम कैसे कुरियर करेंगे निशा जी? ये बहुत अच्छा है, बहुत कनिंगली प्रॉमिस कर रही है। In order to give you some happiness, that's why I told you. मुझ तक पहुंचने तक उसकी चाय बन जाएगी शायद से, और व्हाटएवर मिल्क शेक या फिर जो भी बोलते हैं खीर बन जाएगी, ऐसे बोलेंगे पहुंचने तक। गुआवा वाला आइसक्रीम बहुत ही, दोस्तों अगर आप में से कोई कोल्हापुर में, हमें कोल्हापुर में जो है उनको तो पता ही होगा, अगर आप कहीं कभी जाते हो तो डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत जबरदस्त वाला आइसक्रीम होता है। एंड शैली जी का भी सेकंड लोकल पहुंच चुका है अंदर। एंड वैसे निशा जी का एक टोकन पहुंच चुका है वैसे। सी निशा जी, आप मुझसे बात कर रही थी तब तक आपका एक टोकन सेफ जोन में चला गया है ना, आप कर सकते हो और मुझसे बात यार। वैसे वहां पे जरा सौरभ जी का भी देख लीजिए, तीसरा टोकन पहुंच रहा है उनका अंदर वैसे। जस्ट से सौरभ जी बहुत ही सेफ खेलते हुए, निशा शैली और सौरभ आई थिंक दोनों के भी दो दो टोकन्स जो है वो सेफ है अभी कम्प्लीटली, कोई कुछ कर नहीं सकता, बच्चे है दो दो टोकन्स के लिए बची हुई लड़ाई है उनकी। ओके एंड निशा जी इज आउट एंड चेसिंग सौरभ, एंड पहुंच चुकी है सौरभ जी का थर्ड टोकन सेव है। कांग्रेचुलेशंस सौरभ जी, क्या बात है, बहुत ही फास्ट है आज का गेम, जो स्पीड से जा रहा है ना, जब तक मतलब एंड अंकित जी का टोकन पहुंच गया, सी मतलब जब तक मैं बोल रही हूँ कि इनका सेफ हो रहा है, तीन सेफ हो रहे हैं, तब तक अंकित जी का एक टोकन अंदर पहुंच गया है। बहुत ही फास्ट ये गेम जा रहा है दोस्तों, एंड आप तो देख रहे हैं कि कितने मतलब इंटरेस्टिंग सा अजीब सा गेम हो रहा है। अगर आपको भी हमारे साथ खेलना है तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब और आपको भरना है एक सिंपल सा फॉर्म जिसमें अपनी सारे डिटेल्स तो आप डालेंगे ही, लेकिन आपकी हॉबीज क्या है वो डालना मत भूलना, और जो भी आप बोलना चाहें आपकी हॉबीज और वॉट नॉट सब कुछ, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दो और वो लिंक हमारे फॉर्म में पेस्ट करके हमें भेज दो, है ना, सिंपल है, एकदम सिंपल है, फटाफट कर दो। And okay, तो निशा जी अभी भी चेस कर रही हैं अच्छे से, चलो सेफ खेल रहे हैं सब, एकदम ही सेफ खेल रहे हैं, है ना। सब बच बच के चल रहे हैं, सब बच बच के चल रहे हैं, किसी को रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। ओके सो दोस्तों, आप सब लोगों ने तो मतलब बहुत सारे गेम शोज देखे होंगे अब तक एंड ऑल दैट, ये हमारा थोड़ा सा अलग है, हम एक्चुअली गेम पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, है ना। सो हमने सोचा चलो छोटा सा कुछ उसमें थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाते हैं। सो निशा जी, क्या आप हमारे साथ एक छोटा सा गेम खेलना पसंद करेंगे, एक छोटा सा गेम, बस 30 सेकेंड्स लेंगे आपसे, आपका टाइमर रन आउट नहीं होगा, आप डरे मत बिल्कुल भी। ओके मैं आपको फटाफट क्वेश्चंस पूछूंगी, 30 सेकंड में हमें खत्म करना है। एंड अंकित जी ने टोकन कट कर दिया है सौरभ जी का, बाय द वे साइड बाय साइड बोल दूं कि निशा जी 30 सेकंड्स में आपको जवाब देना है, चार क्वेश्चंस पूछूंगी फटाफट, एक मतलब ऑप्शन दूंगी, एक एक ऑप्शन चूज करना है बस, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। ओके अंकित जी, आपने अभी मेरी ग्रीन जोन से क्रॉस करना है। एंड शैली जी ने टोकन कट कर दिया है अंकित जी का, थैंक यू शैली जी, सौरभ जी का काम कर दिया है शैली जी ने चुपके से। ओके सो चलो निशा जी, आपका है ये रैपिड फायर राउंड बोलते हैं, क्वेश्चंस हैं चार फटाफट। आपको फ्रेंड्स के साथ लूडो खेलना पसंद आता है, लूडो किंग, या फिर फैमिली के साथ? फैमिली। फटाक से, दिस इज रैपिड फायर, आपने क्विकली आंसर करना है ज्यादा बिना सोचे। ओके सेकंड क्वेश्चन, आप लूडो किंग ऑफलाइन मोड में खेलना पसंद करते हैं, ऑनलाइन मोड में खेलना पसंद करते हैं? दोनों, आई कांट चूज इट वन, या। ओहो ये क्या बात है यार। ओके ओके थर्ड क्वेश्चन, आपको कौन सा इमोजी पसंद है, आप कौन सा यूज करती हैं, इमोजी जो होते हैं ना आप यूज करती होंगी? पार्डन, इमोजी, पार्डन प्लीज, लूडो किंग में हम जो इमोटिकॉन्स भेजते हैं ना, हेलो कैन यू हियर मी निशा जी? या मैम। हाँ, आपको कौन सा वाला इमोटिकॉन पसंद है, इमोजी जो होता है ना, आप टमाटर फेंके मार सकती है या हथौड़ा मार सकती है, कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा यूज करती है सबसे ज्यादा? हैमर। ओके माय सेकंड फेवरेट इज हैमर। एंड फोर्थ क्वेश्चन, क्विक, सुबह चाय के साथ लूडो किंग खेलना पसंद करती है या डिनर के बाद फैमिली के साथ?
डिनर के बाद। ओके ओके, चलो ये बहुत ज्यादा रैपिड तो हो नहीं पाया कनेक्शन की वजह से, लेकिन हमें मजा तो बहुत आया है। एंड अंकित जी का सेकंड टोकन पहुंच चुका है सेफ्टी स्ट्रिप पे, बाय द वे निशा जी का भी सेकंड टोकन पहुंच चुका है सेफ्टी स्ट्रिप पे, सौरभ जी के दो अंदर जा चुके हैं। गेम काफी बढ़ गया है जब तक हम रैपिड फायर खेल रहे थे, जो बहुत ज्यादा रैपिड नहीं था, बट ओ एंड निशा जी थैंक यू, निशा जी थैंक यू, सौरभ जी थैंक यू बोल रहे हैं आपको क्यों यार सौरभ जी, आपकी क्या दुश्मनी अंकित जी से, उनका टोकन कट हो गया, आप क्यों थैंक यू बोल रहे? भाई मेरी दो बार टोकन कट हुए और दोनों बार अंकित जी ने किए, तो मेरे को तो लगे जी जी, तो ये आपको जो हेल्प कर रही है वो जो क्या बोलते हैं ना, वो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाला, वैसे हो गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, क्या बात है क्या बात, गेम में थ्रिल बना रहना चाहिए। सौरभ जी का थर्ड टोकन पहुंच चुका है अंदर और शैली जी आ गई है बाहर, मतलब सौरभ जी आप ही के लिए बाहर आई है वो वहां पे, वैसे आपको पता है ना, कोई नहीं बस कोई नहीं। आप कैसे क्रॉस करेंगे उसके लिए दो दो लोग वहां पे आपके स्वागत की तैयारी करने के लिए आरती की वो थाली लेके बैठे हैं शैली जी के घर पे। नो इश्यूज मैम, जैसे ही आप क्रॉस होंगे आरती उतारी जाएगी आपकी, ऐसे दिख रहा है मुझे अभी तो मुझे लग रहा है अंकित जी भी वहां पे वेट करेंगे शायद से, हाँ जिसको चांस मिलेगा डेफिनेटली, अभी तो आपने ओपनली ऐसे जो बोल दिया था थैंक यू, तो उसके बाद तो अंकित जी तो वेट करेंगे वहां पे, है ना, पंगा लेके आते हैं। सौरभ जी वैसे शैली ने एक और बार टोकन कट कर दिया है अंकित जी का, शैली इज ऑन फायर, सब लोगों को रोक रही है वो आज, आई थिंक जो भी अभी उनका घर क्रॉस करेगा उनके लिए भी वहां पे बैठी है, और खुद का भी उनका भी थर्ड टोकन जा रहा है अंदर उनके घर के, और कोई नहीं है उनको रोकने वाला, दूर दूर तक कोई नहीं है, मतलब क्या बात है, चलिए घुट गया। एंड अंकित जी का सेकंड टोकन अंदर गया है एंड निशा जी का थर्ड टोकन सेफ हो गया है। सो दोस्तों ये बहुत ही टो टू टो चल रही है मैच, जैसे कि आप देख सकते हैं सबके बस आई थिंक एक एक ही टोकन मेजरली बाहर, मतलब बचे हैं अंदर जाने के, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक अंकित जी, बट हाँ अंकित जी को भी रोकने वाला तो कोई है नहीं, तो आई मीन इट इज ऑलमोस्ट वन इन द सेम। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली खेला जा रहा है ये गेम, सब लोग बहुत ही सोच समझ के खेल रहे हैं, देख सकते हैं जैसे कि अभी अगर इस वक्त आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे सबके सब ऐसे नीचे मुंडी डाले हुए अपने फोन के अंदर घुसे हुए, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से खेला जा रहा है ये गेम। कम ऑन गाइस, हम फन के लिए खेल रहे हैं यार, इतना सीरियस होके मत खेलो। शैली जी चली गई, ओके ओके गुड कॉल गुड कॉल, बहुत स्ट्रेटेजी मतलब क्या लगा रही है शैली जी, इतना सोच समझ के गेम खेल रही है क्या, बस क्या बात है शैली जी, इतनी तैयारी करी आपने, कितनी घंटे प्रैक्टिस करी आज आपने बोलो? आज तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की बट डेली डेली करती है ये डेली, हाँ डेली, आपकी प्रैक्टिस एकदम रंग ला रही है अभी तो। और निशा जी का भी वैसे फर्स्ट टोकन फाइनली घर के अंदर पहुंच चुका है, कांग्रेचुलेशंस निशा जी, आपका फर्स्ट टोकन अंदर जा चुका है, इनफैक्ट मतलब एक ही टोकन टेक्निकली अभी निशा जी का भी बाहर है, उनके पीछे तो कोई नहीं है लेकिन आगे शैली जी बैठी हुई है, उनका रास्ता रोके हुए, देखते हैं कि क्या करने वाले हैं शैली जी, क्या खेलेंगी शैली जी। आपसे अभी रैपिड फायर खेलें क्या, या बहुत कॉन्सेंट्रेशन से खेलना चाहते हैं आप? 30 सेकंड लेंगे आपका अगर, इफ यू कैन स्पेयर। चलो जल्दी से खेलें, आप बोले आपको किसके साथ खेलना ज्यादा पसंद है, फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ? फैमिली फैमिली, ओके। ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में लूडो किंग, कौन से मोड में खेलना पसंद करते हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन। और कौन सा इमोजी सबसे ज्यादा पसंद है लूडो किंग में? मेरे को जो फायर वाला आता है ना, ओ फायर वाला, वो गुस्से वाला जो सामने वाला जब काटता है तब जो गुस्सा आता है वो जताने के लिए, क्या बात है। यस यस राइट राइट। कब खेलना पसंद है आपको लूडो किंग, सुबह सुबह उठ के चाय के साथ या शाम को डिनर होने के बाद? इवनिंग में, इवनिंग आफ्टर डिनर। ओके 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 ग्रेट, क्या बात है। ओ बाय द वे जब तक हम शैली जी से बात कर रहे थे निशा जी के तीन टोकन अंदर जा चुके हैं एकदम अंदर, हां प्रॉपर, एंड उनका फोर्थ भी अंदर जा रहा है, वाओ निशा जी
व्हाट अ कमबैक मैन, बहुत ये लो, थैंक्स जी, कांग्रेचुलेशंस, सॉरी, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस एंड रिलेशनशिप के अंदर जा चुकी है ये, और एक और एक और कांग्रेचुलेशंस निशा जी, थैंक यू, अभी तक सांस ले रही हूं, कांग्रेचुलेशंस मेरा खत्म नहीं हुआ, सौरभ जी को कांग्रेट्स करते तब तक निशा जी हो गई है, मैं बोल रही हूं आपको तो ये जो गेम है ना अनप्रेडिक्टेबल, नाम ही अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल रख देना चाहिए इस गेम का, वाओ, कांग्रेट्स, कांग्रेट्स बोथ ऑफ यू यार, बहुत ही मतलब, थैंक यू सो मच. एंड शैली जी का थर्ड टोकन जा चुका है अंदर, अभी देखना ये है कि अभी भी गेम वैसे खत्म नहीं हुई है, अभी भी एक जो थर्ड प्लेस के लिए वी आर स्टिल प्लेइंग, एंड शैली जी तो इज शी इज ऑन फायर यार, अभी चाहिए शैली जी को दो, एंड देखते हैं कि उनको दो मिलने से पहले अंकित जी दौड़ के पीछे से अंदर चले जाते हैं, बस इतनी सी बात है. वो व्हाट अ गेम, मतलब मैं जब तक चली गई से रैपिड फायर की, ओ एंड चली गई है, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम, ये कितना फास्ट गेम था, वाज दिस लाइक वन ऑफ द फास्टेस्ट, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट था, है ना, मतलब एक तो वाओ, दिस वाज बहुत बढ़िया गेम, क्या सरप जी की बद्दुआएं लगी सौरभ जी की आपको, वैसे कह रहे हैं आप, तो आपने इतनी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है ना, तो नहीं 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 टोकन कट गया तो सूट समय वापस तो मिलना था, नहीं मेरे से ज्यादा तो उनका दूसरों ने कट किया, तो आपकी मदद की है, कोई नहीं हमें मजा बहुत आ रहा गेम में यार, है ना, बहुत बढ़िया रहा, मुझे भी मजा, सब लोगों को मजा आया, आप सबने एंजॉय किया, शैली जी मजा आया ना आपको, बहुत बहुत मजा आया जी, डेफिनेटली, क्या बात है यार, हाँ चलो फिर तो मतलब ये गेम एकदम क्या बोलते हैं सफल रहा, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि बस हमारा एम तो वही है कि मजा आना चाहिए. सो दोस्तों अगर आपको भी किसी तरीके से हमारे साथ मजा लेना है इस गेम का, तो प्लीज यार फटाफट फॉर्म्स भर के भेजिए हमें, हम जितनी जल्दी कोशिश, हमें जितनी जल्दी हो सके आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हम लगातार शॉर्टलिस्ट कर ही रहे हैं लोगों को, और वैसे आप ये गेम फेसबुक पे भी देख सकते हैं, आपको पता है ना वहां पर भी हम ये लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो आपका जो भी आपका पसंदीदा मोड हो इसको देखने का, यूट्यूब हो फेसबुक हो, आप जरूर देख सकते हैं. और चलिए चलते हैं, बात करते हैं हमारे आज के विनर्स से, यार सौरभ जी कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू मैम, आप है हमारे आज के विनर, और आप जीत रहे हमारा जो ग्रैंड प्राइज जिसको हम कहते हैं, 10,000 रुपए के गिफ्ट टोकन आपको मिल रहे हैं हमारी तरफ से एज अ टोकन ऑफ लव. तो सौरभ जी कैसे लग रहा है आपको आज, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज बताइए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनफैक्ट मैं लूडो में मेरा विनिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा हारता हूँ, बट आज जीत के और 10,000 रुपए उस पे मिल के वो और भी अच्छा लग रहा है. क्या बात है, क्या बात है, हाँ मतलब ट्रैक रिकॉर्ड का तो क्या ही है, हर गेम अलग होता है, क्या हो जाए किस दिन हम बोल नहीं सकते, एंड नॉर्मली वाइफ के साथ खेलता हूँ. अच्छा नॉर्मली उनसे हारते हैं, अपनी वाइफ से हारते हैं, अरे वाइफ से कोई जीत सकता है ये बताइए, नहीं सकता, सही बात है, बिल्कुल पता ही नहीं है. सी देखो अंकित जी को मतलब पक्के से पता है, अंकित जी आपको एकदम ही सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, अचानक से बाजे पलट, क्योंकि मैं भी खेलता हूँ वाइफ के साथ, तो ऑब्वियसली जीतती वाइफ ही है, हार भी रहा तो फिर कैसे न कैसे हार ही जाए, वही बढ़िया. हाँ बाकी दोनों फीमेल्स भी पूछिए वो बता देंगे कि उनके हस्बैंड जीत पाते हैं नहीं जीत पाते. जरूर जरूर अभी मेरे हस्बैंड जीत पाते हैं. अच्छा आपके तो हस्बैंड जीत पाते हैं, मेरे भी हस्बैंड जीत पाते हैं, वैसे मेरा जो मतलब हस्बैंड बैठा है बाहर बहुत बार हरा चुका है मुझे, और बहुत टोकन कट करता है मेरी, मैं बोलती हूँ ना, तो ऐसे कुछ नहीं है, ये गलत फहमियां फैला रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन कांग्रेचुलेशन सौरभ जी, जो आपको ये बोल रहे हैं आप हमेशा, जो आपको ये खुशी मिली है जीतने की उसके लिए कांग्रेचुलेशन, एंड आपसे हम और बातें करेंगे जल्द ही, लेकिन पहले फटाफट बाकी लोगों से बात कर लेते हैं. निशा जी कांग्रेचुलेशंस, कसा वाटले आता तुम्हाला? थैंक्स लॉर्ड, मला तर खूप छान वाटली, क्या बात है, एन्जॉय केले गेम. थैंक यू आपने मराठी में बात कर ली, मुझे बहुत अच्छा लगा निशा जी, लेकिन सच में कांग्रेचुलेशंस, आप जीत रही हैं 5,000 रुपीज के गिफ्ट कूपन्स हमारी तरफ से. सो आई थिंक इसका छोटा सा एक प्राइज मनी तो आपकी बेटी को जाना चाहिए यार, मतलब उनके लिए कुछ तो, यार रियली वो पहले से बोल रही थी,
है ना, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं लिटरली बोलूं, इनफैक्ट सिंस मॉर्निंग आई हैड 3-4 वीडियो गेम्स, इतने इसके बाद मैं रेडी हुई थी अभी। आपने सच में प्रैक्टिस करी आज सुबह इसके गेम के लिए? हाँ रियली। क्या बात है। देखिए कितने डेडिकेटेड एंड सिंसियर प्लेयर्स हैं हमारे लूडो किंग के यार, क्या बात करते हो आप, एकदम सीरियसली गेम खेलते हैं हम लोग, है ना निशा जी? थैंक्स अ लॉट यार, बहुत मजा आया आपके साथ भी खेल के, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड चलिए चलते हैं शैली जी के पास। शैली कांग्रेचुलेशंस, आप हैं हमारी थर्ड विनर, सेकंड रनर अप, और आप जीत रही हैं 2500 रुपीस के गिफ्ट कूपन्स। कांग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है शैली जी? अभी जीत रही थी फर्स्ट टोकन, सबसे पहले आप ही का अंदर पहुंच गया था, लेकिन गड़बड़ हो गई बात। हाँ, मैंने जैसे कि मैंने बोला था ना कि गेम अभी स्टार्ट हुआ है, वेट एंड वॉच, तो हो गया, ये तो लूडो है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लूडो है। बट बहुत अच्छा गेम खेली, मतलब मैं आपको देख रही थी, एक भी मिस्टेक नहीं करी है ना, तो कहीं पे किसी को छोड़ा है, गलती से भी नहीं छोड़ा है, ऐसे कोई भी, बहुत ही अच्छा गेम खेली है आप। सो बट बाकी तो मेरी पकड़ के रखे हुए थे ना, इसलिए है ना, अब बाकी के लोगों को भी तो जीतना था ना, वो भी तो ट्राई करेंगे कि आप जितने पॉसिबल है कट कर पाए। सो तो इसका मतलब बेसिकली बहुत ही अच्छा खेले हैं सभी लोग, है ना, मतलब सभी लोग अच्छा गेम खेल रहे थे, किसी ने किसी को आसानी से जीतने नहीं दिया, दैट इज अ गुड थिंग। सो कांग्रेचुलेशंस शैली जी, एंड थैंक्स अ लॉट, आपको मजा आया ना पक्के से खेलते वक्त? आप अभी भी बहुत एकदम, बहुत एंजॉय किया इस गेम को, और सबसे बढ़िया बात मुझे लगी 15-20 मिनट्स में गेम फिनिश भी हो गया। हमारा 15-20 मिनट्स में हुआ नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपको लग रहा है कि टाइम इतने क्विकली पास हो गया, यही तो हमें चाहिए कि हम 2 घंटा खेले तो भी लगना चाहिए कि टाइम कहाँ स्पेंड होता है, पता नहीं चलता है गेम खेलते हुए। इतना रेसी, इतना तेज गेम था आज का, कैसे लग रहा है कि 15 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, अच्छे खासे 40 मिनट हो चुके हैं हमारे गेम को आज। ओके अंकित जी, तो आपको कैसे लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है बताइए प्लीज? लूडो गेम जब भी खेलते मजा तो बहुत आता है, अब जीतते भी हारते भी है, तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। बाकी लग तो मेरे को वैसे स्टार्टिंग से शैली जी का ही रहा था, लेकिन सौरभ जी ने बड़ी कमाल की बाजी मारी। हाँ, वो तो है, आज आई थिंक सौरभ जी और अंकित जी का जो टोकन कटिंग वाला चल रहा चक्कर में काफी कुछ हो गया, बट चलो बहुत अच्छा, आपने भी बहुत अच्छे से खेला ये गेम, आपने आप हमें अपने स्केचेस दिखाने वाले थे, मतलब तो हमें करना था, टाइम ही नहीं मिला, है आपके पास, आप दिखा सकते हैं स्केचेस? हाँ, वैसे ज्यादा खास नहीं है, वैसे अभी रिसेंटली बनाए थे कुछ, एक दो प्लीज दिखा दीजिए। वैसे आपके इसके लिए बता दूं, अंकित जी ना ड्रॉ करते हैं कार्टून, से उनको देखना भी पसंद है, वो स्केचेस भी निकालते हैं। वेरी नाइस अंकित जी, वेरी नाइस यार, बहुत सही अंकित जी, हम ना ये वैसे ही दिखाइए, क्या बात है, काफी अच्छा, ये तो मतलब यू ड्रॉ कर, बहुत ही सही, अगर पॉसिबल हो तो कभी टाइम मिलता है तो कभी। हाँ, नहीं, लेकिन आप जरूर तो एक झलक देख पाए प्लीज, पोस्ट कर दे, हमें टैग करें, हमें देखना बहुत पसंद करेंगे हम, है ना। सो वैसे आज मतलब हमारे पास एक आर्टिस्ट आए हैं जो स्केच करते हैं, एक और आर्टिस्ट है हमारे पास जो लिखते हैं, उनसे भी हमें और बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन गेम इतना फास्ट था, मैं क्या करूं, मतलब कर नहीं पाए हम। तो सौरभ जी यार, आप कुछ लाइनें सुना दें, सौरभ जी बहुत अच्छे से शायरी वायरी करते हैं, लिखते हैं, तो सुनते हैं जरा कि ये जो लखनऊ के नवाब आए हैं हमारे पास, वो क्या शायरी सुनाने वाले हैं। जी, पहले एक पोइट्री है, उसकी कुछ लाइनें मैं सुनाता हूँ। पोइट्री लिखी थी मैंने कुछ साल पहले, विश्वास रख। तो रह तू इसी शहर में पर इसकी परछाइयों से अलग, चल तू इसी भीड़ में पर दिख इस भीड़ से अलग, दिल में एक चाह रख, अरमानों की राह रख, हासिल मंजिल को करना है इसका तू विश्वास रख। मिलेंगे बहुत से भीड़ में, कई रास्ते भी होंगे, मत आ इनकी बातों में और मंजिल से मत भटक, हासिल मंजिल को करना है इसका तो विश्वास रख। तो ये जितनी मुझे याद थी, मैं अभी आपको रैंडम सुना रहा हूँ, और शायरी भी करता हूँ कभी कभार। बहुत ही सही यार, बहुत ही सही, मतलब आपको ये टैलेंट है आपका यार, आप प्लीज एक्सप्लोर करें इसको, एंड जैसे मैं अंकित जी से कह रही थी कि आप प्लीज ये पोस्ट करें, आप भी प्लीज
मे बी ये रिसाइट करके पोस्ट कर सकें और हमें अगर टैग कर सकें उस वीडियो में तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. हमारे सारे दर्शक भी आपको सुन पाएंगे, हम तक भी पहुंच पाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप प्लीज ये कर सकें, इफ यू डोंट माइंड ऑफ कोर्स. जी, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू यू सौरभ जी. आपसे हम करते ही हैं बातें, लेकिन अभी हम ये गेम थोड़ा बात करते हैं. सो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत पोएम के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत कविता के साथ हम आज का ये जो एपिसोड है वो खत्म करते हैं. आप से हम मिलेंगे फिर से कल शाम को 7 बजे. तब तक आप खेलते रहिए लूडो किंग. और लेकिन तब तक, मतलब उससे भी पहले, हम चलते हैं सोनू सूद जी के पास और देखते हैं कि वो ये लूडो किंग गेम के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं हमको. किंग के 500 मिलियन डाउनलोड्स के लिए इंडिया की नंबर वन गेमिंग कंपनी गेमशन को बहुत बहुत सारी बधाई. बस खेलते रहो. एक साथ सबको जोड़ रही इंडिया की नंबर वन पसंदीदा गेम लूडो किंग.